हम गाड़ी चलाते हैं, 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का जो ये कानून लागू किया है, हम इसे किस तरीके से पे करेंगे, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं और उसी की डिमांड कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके परिवार जो सड़क हादसे में जो लोग अपने परिवार को खो चुके हैं, वो इस कानून को सही बता रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये मेरे साथ मेगा टंडन है गाजियाबाद से, इनके दोनों मामा सड़क हादसे में एक्सपायर हो चुके थे और पूरा जो घर है वो बिखर गया था, इनसे बात करेंगे। मेघा जी, ये कानून जो लागू हुआ है इसको कैसे देख रहे हैं? मैं इस कानून को बहुत अच्छे नजरिए से देख रही हूँ, क्योंकि इससे अगर ये कानून लागू किया जाता है तो इससे सड़क हादसों में काफी कंट्रोल होगा। मैंने अपने परिवार के दो सदस्य को सड़क हादसे में खोया है, जिस वजह से हमारा पूरा परिवार तहस नहस हुआ था। घर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, छोटा 1 साल का बच्चा था। बहुत उस माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ जिसने अपने दोनों बच्चों को खोया है, और उस समय में उनको संभालना बहुत ही मुश्किल था। तो मेरी कानून से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस कानून को लागू किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स पे कंट्रोल हो सके। आपके जो दोनों मामा थे वो दोनों सड़क हादसे में एक्सपायर हो दोनों गए, सड़क हादसे में और दोनों का ही ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। तो जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उस पर उन पर क्या क्या कुछ सजा हुई थी कुछ उनको? नहीं, सजा नहीं हुई थी, कोई सजा नहीं थी, केस लड़ा गया, कोई सजा नहीं हुई। और उस माँ के दिल से पूछो जिसने अपने दोनों जवान बच्चों खोया है, वो कहाँ उस चीज में संभाल पाती है अपने आप को। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस कानून को पास किया जाए और जो इन एक्सीडेंट्स को करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए। तो देखिए आपने सुना लोगों का कहना है, जो ये कानून नया पारित हुआ है इस पर जो सरकार है उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपने परिवार को खोया है और लोग चाहते हैं कि जो हादसा इनके साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो। जी